तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? और मेरी हिम्मत नहीं हुई बाल धोने की आज ठंडे पानी से, क्योंकि मैं पानी गर्म नहीं चालू कर रही हूँ। पानी गर्म चालू करूंगी सारी दीवारें गीली गीली हो गई है, तो डर लगता है इसलिए गीजर ऑन नहीं करी मैंने। और चल जाएगा, मैंने सोचा संडे को बाल धोंगी। वैसे भी बहुत ठंडी है, बहुत बारिश हुई है, तो और सोच रही थी वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, बनाऊं नहीं बनाऊं। देखिए, मैंने पूरा ना आंख में आयोडेक्स लगाया, इधर बहुत दर्द कर रहा है, तो ये सब आयोडेक्स लगा के सूजन तो उतर ही नहीं रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं और क्या नहीं। और एक लेडी की ना बहुत बुरी नजर लग गई मेरे को। उसने बोला, आपने इतना अच्छा, इस उम्र में इतना अच्छा आपको कैसे मेंटेन करके रखा है, लगता भी नहीं है आपको, आपकी एज इतनी है। बस तब से वो लेडी की बात सुन के ना मुझे ऐसा, तब से मेरा एक्सीडेंट हो गया, तब से मैं ना पार्लर जा पा रही हूँ। मतलब मन में ऐसा डर लगा है कि स्कूटी कैसे चलाऊं। तो ओ गॉड, लग गया था, बहुत भारी लग गया था। देखिए ये आंख देखिए और ये आंख देखिए। भगवान की मेहरबानी के थोड़े से मैं बच गई। बाल बहुत सफेद हो रहे हैं, उसको करना पड़ेगा। तो ये मेरा लुक है आज का। तो चलिए चलते हैं, पहले पेट्रोल भराएंगे। मैं एक तो परेशान हो गई है, पेट्रोल भरवा भरवा के मेरा दिमाग खराब हो जाता है हर बार पेट्रोल भरवाने को। और बाहर इतना चीखल है कि गाड़ी निकालने को मुझे बहुत डर लग रहा है। धीरे से निकालूंगी बिना चप्पल पहने। और टिफिन में मैंने ले लिया है कल का ही सेम मेनू, थोड़ा आटा बचा हुआ था तो उसके भजिए उतार लिए, पापड़ तल लिया और वो टिफिन ले लिया है। तो चलती हूँ पार्लर पे। तो मैं अपने ओरिजिनल अवतार में आ गई हूँ। मैंने बाल बांध दिए हैं ऊंचे एकदम से। और कल इंटरनेट पे बता रहा था कि आज के दिन 100% बारिश है, पर अभी तो धूप आई है। प्रेस किए हुए कपड़े कितने अच्छे दिखते हैं ना, भले जूने हो लेकिन फिर भी उसको अगर प्रेस कर लो तो एकदम मस्त हो जाते हैं। पार्लर पे जाने के लिए निकली, लेकिन यहाँ पे देखिए इतना पानी भर गया है कि आगे तक पूरा ट्रैफिक जाम है। आगे तक नहीं जा सकती, रिक्शा विक्शा सब बंद है। जैसे वैसे स्कूटी वाले जा सकते लेकिन मैं नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है। बेकार का रेस्क्यू लो। सब लोग को जो मिलता है उसमें चढ़ रहे हैं, टेम्पो में भी चढ़ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन तो चालू है, उनको ये रास्ता ही पूरा निकलना है। टेम्पो वगैरह, बड़ी गाड़ियां निकल सकती है, स्कूटी वगैरह निकालने को डर लगता है भाई। लोग ना रिस्क लेके जा भी रहे हैं, जो व्हीकल मिल रहा है उसमें बैठ के लोग स्टेशन पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक दिन का खाड़ा पड़ जाएगा तो उनको पैसा कटेगा ना, इसलिए। देखिए, तो लौट के बुद्धू घर को आए और अब कोई इलाज नहीं है इस बात का, रास्ता ही बंद है, तो मैं जा कैसे सकती हूँ। आ गई, मैंने एक खारी का पैकेट ले लिया रास्ते से। आटा लेने को गई थी, आटा लेगा तो मैं बोली मेरा काम चल जाएगा, तो खारी का पैकेट ले लिया। मैं बोली चलो चाय के साथ खारी चल जाएगी, और गलती हो गया, मुझे बीपी का गोली ले लेना चाहिए था, पर ऑलरेडी है मेरे पास 8-10 दिन का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के 12 दिन, 12-13 दिन का है। कल परसों जाऊंगी तो सब अभी स्टोर करके रखूंगी, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी।
और कितना प्रेस किया हुआ अच्छा ड्रेस। मैं बोली 2 दिन के बाद आज मैं पार्लर पे जाऊंगी, तो कुछ हुआ ही नहीं। और देखा आपने कितना पानी भरा था। टिफिन लेके गई थी, वो टिफिन वापस लाई, गाड़ी की डिक्की की चाबी नहीं चल रही है, जैसे वैसे उसमें खूब ऑयलिंग करा और अंदर से ना मेरा कवर निकाला गाड़ी का, ताकि पानी ना गिरे, वो भी फटफुटा गया है, दूसरा लेने का है, पर फिर भी अभी काम चलाओ तो ढक दिया मैंने उसको, और बाद में मैं दूसरा ले लूँ। बहुत परेशानी होती है, स्कूटी का ब्रेक, अरे ये तो हो ही नहीं रहा है, हॉर्न तो बज ही नहीं रहा है। मैं बोली पेट्रोल भरने का है, मैं कैसे पेट्रोल की टंकी होंगी और पेट्रोल खत्म हो गया। आज मैं एक्चुअल में पेट्रोल भरवाने के लिए ही निकली और पेट्रोल भी खत्म हो गया है, तो आगे तो जाने को रास्ता ही नहीं है। सब लोग ट्रैक्टर में बैठ के जा रहे हैं, सब लोग बेचारे जॉब पे, अगर वो लोग एक दिन ना जाए तो उनका खाड़ा हो जाए ना, तो पैसा कट जाए, तो वो कैसे भी करके जा रहे हैं ट्रैक्टर पे चढ़ के। मैं तो नहीं गई बाबा, मैं अपने घर में ही मैं बोली रहती हूँ, और जाने दो, जो होगा वो देखा जाएगा, क्या करूँ। बहुत कुछ 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 हो रहा है, बस क्या करूं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, फिर से बारिश आ रही है और मुझे लग गई है भूख। तो जो मैं टिफिन अपना लेके गई थी उसको निकाल ले रही हूँ और बैठ जाती हूँ खाने को। चाय बनाना चाह रही थी पर चाय बनाने का अभी मूड नहीं बन रहा है, चाय बाद में बनाऊंगी, तो अभी तो पहले टिफिन खा लेती हूँ जो भी है। पेट्रोल भरवाने के लिए मेरी ना गाड़ी की जो डिक्की की चाबी है ना थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, और वो पता नहीं उसकी वजह से ना ये हो नहीं रहा है क्या, डिक्की खुल नहीं रही। तो मैंने पर्स बाहर निकाल लिया था, पर्स तो बाद में बाहर निकाला, पहले तो मैंने पैसे इसमें निकाल लिए थे कि मुझे उधर डिक्की खोलना ना पड़े, और पैसे देखी तो पूरे गीले हो गए। अभी मैं डब्बा निकाली, डब्बे की थैली में पैसे डाल दिए थे, तो डब्बा निकाली तो देखी कि पैसे पूरे गीले हो गए हैं पेट्रोल के, तो उसको अभी सुखाई हूँ वहां पे। और ये मेरा लंच है, पकोड़ा जो अभी खा रही हूँ मैं, और सोचती हूँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। और आपको क्या बताऊं, मुझे क्या क्या खाने को दिल नहीं कर रहा है। अभी जब मैं चाय बनाऊंगी तब खारी और चाय खाऊंगी, और घर पे नहीं रहा जाता, बाप रे। इस तरह से अगर घर में रह लो ना, बहुत जी घबरा जाता है। घर में तब रहो जब आपके आसपास 10 जन आपके साथ रहते हो, अकेले इंसान घर में अकेला रहेगा तो जी उसका पूरी तरह से घबरा जाता है एकदम से। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।